देखिए, आप में से बहुत सारे लोग अपने बॉडी को बनाने के लिए पुशअप लगाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में या फिर नॉलेज ना होने की वजह से कुछ ऐसे गलतियों को कर देते हैं जिससे आपकी बॉडी बनने की जगह उल्टा आपके मसल्स की ग्रोथ रुक जाती है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग लंबे समय से बॉडी वेट एक्सरसाइज को कर रहे हैं, यानी कि जैसे पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी नहीं बन पा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है वर्कआउट के बीच का गैप। देखिए, जब आप पुशअप लगाते हो तो आपके चेस्ट और आपके ट्राइसेप्स के एरिया पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ती है, और इस प्रेशर की वजह से वहाँ का मसल्स ब्रेक डाउन होता है, यानी कि मसल्स के बीच छोटी छोटी दरारें आ जाती है, और इन दरारों को रिपेयर होने में समय लगती है। और बहुत सारे रिसर्च का ये कंक्लूजन निकला है कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको अगली वर्कआउट करने से पहले लगभग 48 घंटे का गैप रखना चाहिए। मतलब कि अगर आप आज सुबह 6 बजे वर्कआउट करते हो तो आपको कल नहीं बल्कि परसों 6 बजे वर्कआउट करना चाहिए। मतलब एक दिन का गैप होना जरूरी है ताकि आपके बॉडी को रेस्ट मिल सके। मतलब एग्रेसिव होने से काम नहीं चलने वाला है कि मैं डेली वर्कआउट करूंगा, मैं डेली 100 बार पुशअप करूंगा। लेकिन आप अगर डेली वर्कआउट करोगे तो आपके मसल्स को रिकवर होने का टाइम कहाँ मिलेगा कि वो बढ़ सके। इसीलिए उसे कम से कम एक दिन का रेस्ट दो। अगर आप सोर फील कर रहे हो, यानी आपके एक दिन के गैप के बाद भी आपको दूसरे दिन ऐसा नहीं लगता है कि आपका बॉडी अभी तैयार नहीं है दोबारा से वजन उठाने के लिए, आपके मसल्स पे पेन है, दर्द हो रहा है, तो आप और एक दिन का गैप ले लीजिए। आप 2 दिन का गैप रख सकते हो, क्योंकि ये दर्द, ये सॉरनेस इस बात का संकेत दे रहा है कि आपका मसल्स ग्रो हो रहा है। मतलब पुशअप करने के बाद या फिर किसी भी वर्कआउट को करने के बाद आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है तो इससे आप घबराएं मत। इसे डॉम्स कहते हैं, यानी डिलेड ऑनसेट मसल सॉरनेस, और ये बहुत ही कॉमन सी चीज है जो कि सभी के साथ होती है जब तक कि वो इंसान एक हल्क ना बन जाए। मतलब एक दिन का गैप रखो, 2 दिन का गैप रखो, ये ज्यादा मैटर नहीं करता है, बल्कि आप अपने बॉडी की बात को सुनो। अगर आपका बॉडी एक दिन के गैप के बाद ही रिकवर कर ले रहा है, यानी कि एक दिन आप गैप रखते हो और आपका दर्द ठीक हो जाता है, तो आप दूसरे दिन दोबारा से वर्कआउट कर लो, इसमें क्या है। यानी कि आप अपने बॉडी को देखिए कि वो कितना ज्यादा जल्दी रिकवर हो रहा है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो और आपके मसल्स में पेन है, आपके मसल्स में दर्द है, और आप उसी हालत में वर्कआउट को करते हो, तो आपका मसल्स बनने के जगह उल्टा रुक जाएगा, क्योंकि आपके मसल्स में छोटी छोटी दरारें हैं, एक छोटा सा घाव है, और आप उस घाव को ठीक होने ही नहीं देते हो और दोबारा से उसमें एक जख्म दे देते हो, तो वो जो मसल्स है वो और बनने के जगह धीरे धीरे स्क्वीज होने लगती है, सिकुड़ जाती है, और वो आपस में ही मिलकर इतना ज्यादा टाइट हो जाती है, इतना ज्यादा हार्ड हो जाती है कि उसका ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप घर पे ही वर्कआउट कर रहे हो और आप पुशअप से ही अपने बॉडी को बनाना चाहते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको हर दिन 100 पुशअप लगा देना है, 50 पुशअप, 100 पुशअप, 150 पुशअप, आप जितना लगा पाते हो उतना लगा देना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बल्कि आपको वर्कआउट के लिए एक शेड्यूल बनाना है, और मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा शेड्यूल बताता हूँ, और इससे ज्यादा बेस्ट शेड्यूल दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, और वो है पुश पुल लेग। यानी कि आप अगर मंडे से वर्कआउट को स्टार्ट करते हो तो उस दिन आप पुश एक्सरसाइज करें, जैसे कि पुशअप हो गया, उस दिन आप तरह तरह के पुशअप को लगाएं, लेकिन उसके अगले दिन यानी कि ट्यूसडे को आपको पुल एक्सरसाइज को करना है, जैसे कि पुलअप्स हो गया, और भी जिस तरह के एक्सरसाइज होते हैं जिसमें आप अपने बॉडी को पुल करते हो, उस तरह के एक्सरसाइज को करना है, ताकि आप जो पहले दिन पुशअप से अपने मसल्स को ब्रेक डाउन किए, आपके चेस्ट ट्राइसेप्स के मसल्स जो ब्रेक डाउन हुए हैं वो अच्छे तरीके से रिकवर हो जाए, और जब तक आप अपने बैक के एक्सरसाइज यानी कि पुल एक्सरसाइज को कर लेंगे। और इसके बाद तीसरे दिन यानी कि
वेडनेसडे के दिन आपको इस दिन अपने लेग के एक्सरसाइज को करना है, जैसे कि स्क्वैट्स हो गया, जंपिंग रॉप हो गया और भी जितने सारे लेग के एक्सरसाइज हैं। और फिर दोबारा से अगले दिन आप उसी शेड्यूल को रिपीट करें। अगर आप इस तरीके से वर्कआउट को करते हो तो आपके बॉडी का हर एक मसल्स अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन भी होगा और अच्छे तरीके से ग्रो भी होगा, क्योंकि उसे ग्रो होने के लिए बीच में टाइम मिल जाएगी। तो ऐसा गलती कभी भी ना करें कि अगर मुझे बॉडी बनाना है तो मैं हर दिन पुशअप लगाऊंगा, ये बहुत ही गलत तरीका है। तो नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।